हेलो एवरीवन, दिस इज देवाशीष मिश्रा। सो आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे सिक्स सेमेस्टर एग्जामिनेशन के बारे में, फोर्थ सेमेस्टर के एग्जाम के बारे में भी बात करेंगे, सेकंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन के बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि हम लोगों का जो एट सेमेस्टर एग्जामिनेशन है वो आ चुका है, शेड्यूल आ चुका है। सो एट सेमेस्टर का एकेडमिक कैलेंडर वाइज क्या शेड्यूल था और क्या डेट सही, जो डेट था वो सही डेट से हो रहा है या नहीं हो रहा है। सिक्स सेमेस्टर जो एकेडमिक न्यू एकेडमिक कैलेंडर वाइज क्या होगा या नहीं होगा, उसके ऊपर हम लोग थोड़ा सा एनालिसिस करके बात करेंगे। मैं एनालिसिस कर चुका हूँ, अभी तुम्हारा सामने भी कुछ एनालिसिस करके तुम लोगों को बताऊँगा। तुम लोग न्यू एकेडमिक कैलेंडर देख सकते हो, BPUT देन राइट साइड जाकर देख सकते हो, जहाँ पर न्यू ई एग्ज़ाम लगे नहीं, उसके ठीक नीचे तुम्हारा है न्यू एकेडमिक कैलेंडर फॉर इविन सेमेस्टर। ओके, सो इसमें मेंशन है डेट ऑफ कंडक्ट ऑफ इविन सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2022-23 फॉर 8 सेमेस्टर स्टूडेंट्स, दैट मीन्स दैट इज नॉट फॉर बीटेक, 5/6/2023 to 22/6/2023। ये न्यू एकेडमिक कैलेंडर वाइज था 5/6/2023 to 22/6/2023, लेकिन एग्जाम स्टार्ट हो रहा है 3/7/2023, वन मंथ डिले 5/6 था, 3/7 से स्टार्ट हो रहा है। ओके, ठीक है, अगर 3/7 को स्टार्ट हो रहा है एंड ख़त्म कब हो रहा है, 13/7/2023 को ख़त्म हो रहा है कंप्लीट। देन गो टू द सिक्स सेमेस्टर स्टूडेंट लोग, तुम्हारा जो न्यू एकेडमिक कैलेंडर है उसके हिसाब से 17/7/2023 से स्टार्ट होकर 28 मतलब अगस्त, 17 जुलाई से 20 अगस्त तक तुम्हारा टाइम पीरियड है। ओके, सो अगर 13 को ख़त्म हो जाता है 8 सेमेस्टर का, सो 6 सेमेस्टर के लिए तुम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो 17 को तो कभी भी नहीं होगा, क्योंकि 17 से स्टार्ट होने वाला है और 20 को ख़त्म होने वाला है, लगभग वन मंथ तो नहीं लगेगा। फिर भी हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं जुलाई लास्ट या इट मे बी अगस्त फर्स्ट, उससे पहले नहीं होगा, क्योंकि कोर्स वगैरह ख़त्म नहीं हुआ है, कोर्स भी ख़त्म होने को टाइम लगेगा। सो 17 को यहाँ पर भी देख सकते हो वन मंथ डिले 5/6/2023 था, एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है 3/7/2023, वन मंथ डिले। सो इसमें वन मंथ डिले नहीं होगा, लेकिन जुलाई लास्ट या अगस्त फर्स्ट इसमें स्टार्ट हो सकता है। सिक्स सेमेस्टर स्टूडेंट लोग, तुम लोग कमेंट कर रहे थे क्योंकि एक बैक है किसका, दो बैक है, इसलिए तुम ओरी हो रहे थे। मैं तुम लोगों को बता देता हूँ, सिक्स सेमेस्टर स्टूडेंट लोग जुलाई लास्ट, ओके, जुलाई लास्ट मतलब 20 के बाद, जुलाई मतलब 27/2023 के बाद या अगस्त फर्स्ट वीक में ही तुम्हारा एग्जाम हो सकता है कंप्लीट। देन इफ यू गो टू दी फोर्थ सेमेस्टर एंड सेकेंड सेमेस्टर स्टूडेंट, तुम लोग के लिए भी जो एकेडमिक कैलेंडर में मेंशन है 17/7/2023 to 28/2023, देखो पिछले बार क्या हुआ था, इसका पिछले बार हुआ था फर्स्ट पेज सेकेंड पेज थर्ड पेज, इस बार क्या हुआ था फर्स्ट पेज एंड सेकेंड पेज। फर्स्ट पेज में तुम्हारा फाइनल ईयर स्टूडेंट लोगों का था, सेकेंड पेज में फिफ्थ सेमेस्टर एंड थर्ड सेमेस्टर एक साथ हुआ था, उसके बाद सेकेंड फेज का नोटिस निकला था, लेकिन फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट लोगों का हुआ था। इस बार भी आई होप उस प्रकार के एग्जाम हो सकता है। सो जो मैं बोल रहा हूँ सिक्स सेमेस्टर स्टूडेंट लोगों के लिए जुलाई लास्ट अगस्त फर्स्ट वीक, सो फोर्थ सेमेस्टर स्टूडेंट लोग तुम इसके हिसाब से प्रिपेयर करो, जुलाई लास्ट एंड अगस्त फर्स्ट वीक के लिए तैयारी शुरू कर दो, क्योंकि तुम लोगों का एग्ज़ाम जिसे
थर्ड एंड फिफ्थ हुआ था उसके हिसाब से सिक्स एंड फोर हो सकता है। एंड सेकेंड सेमेस्टर स्टूडेंट लोग, उन लोगों का ख़त्म होने की बात तुम लोगों का स्टार्ट होगा। सो तुम लोग अगस्त सेकेंड वीक में भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तुम लोग के लिए थोड़ा मैं कन्फर्म नहीं हूँ क्योंकि पिछले बार जो हुआ था इसके हिसाब से बोल रहा हूँ, फिर भी तुम्हारा लेट में क्लास स्टार्ट हुआ था तो तुम लोग अगस्त सेकेंड वीक एक्सपेक्ट कर सकते हो। और एक बार बोल देता हूँ स्टूडेंटों, जो सिक्स सेमेस्टर स्टूडेंट है, जुलाई लास्ट अगस्त फर्स्ट वीक तुम एक्सपेक्ट करके पढ़ाई शुरू कर दो। देखो कल भी मैंने वीडियो में बताया था तुम लोगों को, जब भी शेड्यूल आता है मिनिमम 15 डेज तुम लोगों को टाइम देता है, मिनिमम 15 डेज। अगर तुम्हारा जुलाई लास्ट में भी एग्ज़ाम होता है तो फिर जुलाई फर्स्ट वीक में, आज तो 21 है, जुलाई फर्स्ट वीक में तुम्हारा शेड्यूल आ जाना चाहिए। सो 15 डेज तुमको मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। इस बार जो नोटिफिकेशन आया है 14 डेज मिला है स्टूडेंट लोगों को, तो तुम लोगों को जरूर 15 डेज मिलेगा। सो तुम लोग तैयारी कर सकते हो, लेकिन अभी से तुम तैयारी कर लो। सिक्स सेमेस्टर स्टूडेंट लोग जुलाई लास्ट या अगस्त फर्स्ट वीक मान के प्रिपरेशन शुरू कर दो। दैट इज योर फोर्थ सेमेस्टर स्टूडेंट लोग, तुम भी वही, लेकिन जो सेकेंड सेमेस्टर स्टूडेंट लोग हैं तुम अगस्त सेकेंड वीक मानकर प्रिपरेशन शुरू कर दो। अगर मेरा एनालिसिस अच्छा लगा लाइक कर देना, कुछ डाउट है तो मुझे कमेंट करके बताना, न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ऐसे न्यू अपडेट तुम लोगों को हर दिन मिलता रहेगा। सो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ न्यू इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ। थैंक यू।